के नीचे क्या कर रहे थे? मैं कॉमिक्स पढ़ रहा था। बेटा ये कोई जगह है कॉमिक्स पढ़ने का? ट्रक के नीचे लेट कर इसे। सॉरी, कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये ट्रक यही खड़ा था। बाहर बहुत धूप थी तो मैं नीचे जाके लेट गया। मुझे नहीं पता था कि ये अचानक चल पड़ेगा। थैंक यू, आपने मुझे बचाया। तुम स्कूल के लिए निकले थे ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? टीचर बहुत डांटती है, छोटी छोटी बातों पे मारती है। मेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे स्कूल नहीं जाना। ए बच्चा, सुनो, इधर कहाँ जा रहे हो? तुमको पता है कि जब से तुम घर पर नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप का रो रो कर कितना बुरा हाल है। वो लोग थाना में इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो हम लोग के साथ चलो। चलो बदमाशिनी, चलो। मैडम कुछ पता चला क्या? शांत हो जाइए, पता चले आएंगे। आप लोगों के लिए चाय वगैरह कुछ मंगाए? मुझे नहीं जाना। आ गए। अरु, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे? बच्चा आप ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई? कहाँ मिले जनाब? बल्ली चौक के पास में वो ग्राउंड नहीं है मैडम सर, वहाँ ट्रक के नीचे कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते सो गए थे जनाब। ये क्या सुन रहे हम? स्कूल के लिए निकले थे ना तुम? स्कूल छोड़ के कॉमिक बुक पढ़ी जा रही है? मैंने कहा था ना आपसे, मुझे स्कूल नहीं जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाओगे तो चलेगा कैसे? इतना बड़ा स्कूल मेरे बिना नहीं चल सकता। हम स्कूल की नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। पढ़ोगे नहीं तो लायक कैसे बनोगे? हर रोज का नया बहाना, कभी पेट में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द। तंग आ चुका मैं तुम्हारे रोज रोज के बहानों से। और यही सब ना तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुमने सर पे चढ़ा रखा है ऐसे। मेरी वजह से? तुम कितना ध्यान देते हो बच्चे पर? हाँ, ताने देने से पहले अपनी जिम्मेदारियां भी समझा करो। ठीक है, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। कल से रोज मैं ही इसको स्कूल छोड़ के आया करूंगा, फिर देखता हूँ कैसे बंक करता है स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं जाऊंगा, टीचर मारती है, सबके सामने मुर्गा बनाती है, पनिश करती है, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे शैतानी करोगे, ठीक से होमवर्क नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो टीचर तो पनिश करेगी ना। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये किसका बच्चा है? अरे ये क्या कर रहे हो बाहर? अरे कोई तरीका इज्जत करने का, बाहर आओ। नहीं आऊंगा मैं, पहले मेरे मम्मी पापा को बोलो कि वो मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे कि वो मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। सुनिए, आप लोग हमारी बात सुनिए प्लीज। बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसने जिद पकड़ ली है, और बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं ना तो इतनी आसानी से मानते नहीं। होता है, बच्चे करते हैं ऐसी बात। एक काम करिए, आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, हमारे इनसे बात करेंगे। डोंट वरी, हम उसे खुद घर लेकर आएंगे आपके पास। रिलैक्स, ही इज इन गुड हैंड्स। प्लीज आप लोग जाइए घर। अरुण प्लीज बाहर आ जाओ। नहीं आऊंगा मैं बाहर। बाबू देख, जिद मत कर, भीतर बहुत खतरा है बाबू, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर आ जाओ। एक मिनट, क्या हुआ? क्या खतरनाक? और तुम लोग ऊपर क्यों देख रहे हो? मैडम से छत का पपड़ी ने 2-4 दिन से गिर रहा था। हम नवाब साहब को बताया, नवाब साहब मिस्त्री को लेकर आए, मिस्त्री पूरा देखा है, चेक किया और बताया कि पूरा छत का जो हालत है बहुत जर्जर है, कभी नहीं गिर सकता है मैडम सर। क्या मैडम सर, मिस्त्री ने स्ट्रिक्टली कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। तो ठीक है, हटिए, हम दरवाजा तोड़ते हैं। नहीं नहीं मैडम सर, अगर आप जोर से नॉक भी करेंगे ना तो छत गिर जाएगी। हाँ, हमने तो सांसें भी बंद रखी थी। बिल्लू, आर्यन देखो बात सुनो, जहाँ तुम खड़े हो वो जगह बहुत खतरनाक है, छत कभी भी गिर सकती है, बाहर आ जाओ। बच्चा समझा है क्या? मैं तुम लोग के बातों में नहीं आने वाला। मैं एक बार बोल दिया नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। टीचर रोज मुझे स्कूल में मारती है, सबके सामने मुर्गा बनाती है, सब फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम क्या जिद पकड़ कर बैठे हो? बाहर आओ, बाहर आकर बात करते हैं। नहीं आऊंगा मैं, नहीं आऊंगा। मैडम, ये तो बहुत पुराना हवेली, बहुत खस्ता हालत में है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए।
जरा सा झटका लगा तो पूरा छत नीचे गिरने का पूरा चांस है। इसीलिए हमारी राय में तो आप ही को किसी तरह बच्चे को बाहर बुला लेना चाहिए। सुना आर्यन, सुना तुमने इन्होंने क्या कहा? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बाहर आ जाओ। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह। एक मिनट, आप यहाँ हैं तो शूटिंग कौन कर रहा है? नहीं नहीं, आज शूटिंग का छुट्टी है, इसलिए हमने करीना को भी बोला घर पे रहने के लिए, पुष्पा जी के साथ उनका ख्याल रखने के लिए। अरे हाँ पुष्पा जी, लेकिन पुष्पा जी की तबीयत अचानक खराब हुई कैसे? अरे वही मैडम सर, आधी रात को बरगद के पेड़ पे चढ़ गई थी उल्टा लटकने के लिए, बारिश हो गई तो बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा है मामूली जुकाम है, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, जैसी ठीक होंगी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी, तब तक थोड़ा आराम। ठीक है। लड़के आर्यन देखो, हमारा नाम करिश्मा सिंह है और हम भी पुलिस वाले हैं, लेकिन हम मैडम सर की तरह इतना मासूम तरीके से और मुलायम तरीके से तुमको बाहर आने के लिए नहीं कहेंगे। तुम बाहर नहीं आओगे ना तो हम दरवाजा तोड़ के अंदर आएंगे, समझ रहे हमारी बात को? तीन तक गिनेंगे, तीन तक बाहर नहीं आए लात मार के अंदर आएंगे हम। एक, दो, तीन। नहीं आऊंगा मैं, बोला ना नहीं आऊंगा। तुम नहीं आओगे तो हम दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहे हैं। भाई करिश्मा सिंह। मैडम 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 मैडम, मेरे मीटर में अलर्ट सिग्नल आ रहा है, जरा सा भी छत हिला पूरा छत गिर सकता है। मैडम मैडम सर, ऐसे तो उसकी जान को खतरा है अंदर। आर्यन बाहर आ जाओ, क्या कर रहे हो, कब से जिद लगा कर रखी है? आर्यन आर्यन बेटा बाहर आ जा। आर्यन मैं जानता हूँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। अरे मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं भी स्कूल नहीं जाता। मुझे पता है तुम्हारी टीचर तुम्हें बहुत मारती है, बहुत पीटती है, मतलब गलती किसी और की होती है और सजा सिर्फ तुम्हें देती है। मुझे पता है ये तुम्हारे सारे फ्रेंड तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम पर हंसते हैं, कितना एम्बरेस होता होगा। वो टीचर तुम्हारा कान जोर से मरोड़ती है, पूरी रात भर कान दुखता है, और माता पिता को बोले तो वो तुम्हें ही डांटती है। वो माता पिता कहते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाना है इसलिए बहाने बनाते हो, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम सच बोल रहे हो, मैं जानता हूं। आर्यन आर्यन सब कुछ ऐसा ही होता है ना तुम्हारे साथ। मैं बिल्लू चपत में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं आज के बाद वो टीचर तुमसे मिसबिहेव नहीं करेगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी। बाहर आजा बेटा, आजा बेटा बाहर आ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। जी थैंक यू। क्या कहा था हमने? मजाक नहीं कर रहे थे हम। जी मैडम सर, जाते हैं और उस टीचर के बारे में पता लगाते हैं। हाँ मतलब बातचीत करेंगे, कानून के दायरे में रह के बात करेंगे। जाते हैं और अभी पता लगाते हैं। जी आपका ये कानून का दायरा हम भी देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी चलेंगे साथ में। चलिए चलिए। बिल्लू अपना भाई है, एक जहर पिलाओ। हाँ बिल्ले। बिल्लू डरे डरे से लग रहे हो तुम। ओहो अब समझ में आया डर इस बात का है कि थाने कमरे के साथ साथ बिल्लू निवास की छत भी नीचे ना गिर पड़े। अब चपड़ गंजू हकीकत क्या है बता दो। अब इसने वादा किया था कि पिछले 8 महीने से जो चाय और बिरयानी उधारी जो है दे दूंगा, समझे? और उसको मालूम है कि उधारी ना मांगे, इसलिए नाटक कर रही है चपड़ गंजू। अच्छा नहीं नहीं नहीं, बिल्ला सच में दुखी। हाँ यार सच में यार। ए बिल्लू क्या हुआ? ए बिल्ले। ए क्या बात बताना। ए बिल्ले। कच्ची। ए बिल्ला काहे रोते हुए भीतर चला आया? अरे अरे तू सच में रो रहा है?
बाबू देख, तुम्हारा शकल पहले से कम गंदा नहीं है कि इसको बना के तुम हम लोग को और डरा रहा है। चुप हो जाओ, क्या हुआ? क्या हुआ बिल्लू जी, आप क्यों रो रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे बिल्लू जी? नहीं संतोष जी, बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं तो अक्सर माता पिता को लगता है कि बच्चा है स्कूल न जाने के लिए जिद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता को उनकी मन की बात सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। कभी कभी वो चाहकर भी डर के मारे अपनी तकलीफ अपनी परेशानी नहीं बता पाते, जैसे कि मैं नहीं बता पाया। क्या हुआ था आपके साथ आपके स्कूल में? वही जो शायद आर्यन के साथ स्कूल में हो रहा है। Now who's going to tell me what is now? Billu, stand up. What is preposition? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। एक चोर होते हुए भी मैंने ये चाहा कि मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में तालीम ले। हम अपना पेट काट काट कर तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं बिल्लू बेटा। और तू कहता है कि तू स्कूल नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि मेरे टीचर अच्छे नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर मुझे भी अच्छे टीचर मिल जाते, वो मेरे लिए पेशेंस दिखाते, मेरी कमजोरियों को नजरअंदाज करके मुझ में पढ़ाई का आत्मविश्वास जगाते, तो आज शायद मैं वो होता जो मैं बनना चाहता था। तुम्हारी तरफ अच्छा सच्चा ईमानदार पुलिस वाला वर्दी पहनता, इस देश की समाज की सेवा करता। लेकिन ये सब मैंने भुगता है, ये मैं जानता हूं उसकी तकलीफ को। अब बैठिए, यहां पे बैठिए 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 बैठिए। बिल्लू जी, अच्छे बुरे लोग ना हर जगह होते हैं। हाँ हाँ, अपने थाने में देख लो। है देखा है मैंने भी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना बिल्लू जी, अपनी टीचर की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूं। उन्होंने मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया कि लाइफ में मैं जो करना चाहती हूँ ना वो कर सकती हूँ, उनकी वजह से। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप संतोष जी, इधर भी यही हाल है। बिल्ले, हम जो कुछ भी है ना खाली अपने शिक्षक के बदौलत। पता है, हमारा जिंदगी का हर एक परिस्थिति में एकदम चट्टान की तरह हमारा हिम्मत बनकर हमारे बगल में खड़े थे हमारे शिक्षक। हम तो का थे यार, गीला मिट्टी और कुछ नहीं, अपना हाथ से हमको तराश कर एक मूर्त बनाया हमारा शिक्षक। लेकिन ये बात का अफसोस है बिल्ले की, तुमको एक बेहतरीन मार्गदर्शक नहीं मिल पाया। लेकिन ये बात भी तो सच है ना बिल्ले की, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होता है। तो अगर तुमको एक बेहतरीन शिक्षक नहीं मिल पाया, इसका ही मतलब ही नहीं हुआ कि शिक्षक लोग बुरा ही होता है। ठीक है, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, औरों का पता नहीं, लेकिन आर्यन के साथ मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह, कौन सही होगा, बच्चा या टीचर? मैडम सर, हमें तो लग रहा है कि बाकी बच्चों की तरह ये बच्चा भी स्कूल से कन्नी काटने के लिए जो है ये प्रपंच रच रहा है। वरना आप ही बताइए, कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव काहे करेगी? नहीं, पता नहीं क्यों हमें लगता है कि इस बार बच्चा सही है और जो गड़बड़ निकलेगी टीचर में निकलेगी। मैडम सर, माना कि आपका तजुर्बा जो है वो हमसे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम भी थोड़ा अनुभव रखते हैं। हमने भी बचपन देखा है, हम भी स्कूल गए और हमें पता है कि बच्चे के दिमाग में कैसा खुराफाती चीजें चलती रहती हैं। ये सब बहाने होते हैं स्कूल ना जाने के मैडम सर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, शर्त लगा लेते हैं। अगर बच्चा सही निकला तो हम जीते, और अगर टीचर सही निकली तो आप जीती। और जो इस शर्त को हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी होगी पूरा दिन बिना कोई सवाल किए। मंजूर? ठीक है, मंजूर है। वैसे आपको हारता हुआ देख के हमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अब यही तो यही सही, देखते हैं। जी आप लोग? जी हम रीता जी के स्कूल गए थे, पता चला वो वहाँ नहीं है तो उनसे यहाँ मिलने आए हैं। अंदर है, मिला सकती हैं? जी मैडम घर पर ही है, आइए आप लोग। चलो।
ये है हमारी रीता मैडम, दो दिन से ना कुछ खाया है ना पिया है और ना ही किसी से बात कर रही है, फोन भी बंद कर दिए, बस एक ही जगह चुपचाप बैठी हुई है। जी रीता जी, हमें SI करिश्मा सिंह महिला पुलिस थाना से, ये है हमारी SHO मैडम, हम यहाँ आए हैं आपसे कुछ वार्तालाप करने। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ, सब ठीक? आप इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? सदमा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, मैं अभी पूरी कोशिश कर रही हूँ इससे डील करने की। सदमा? कैसा सदमा? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? ये कैसे हुआ, क्या हुआ ये? हमारे स्कूल में आर्यन नाम का एक बहुत ही शैतान बच्चा पढ़ता है, उसने मेरे बालों में इतनी सारी च्युइंगम लगा दी जिसकी वजह से मुझे अपने सारे बाल शेव करने पड़े। इतने लंबे घने बाल थे मेरे, अब आप ही बताइए इस ह्यूमिलिएशन के साथ मैं लोगों को कैसे फेस करूंगी। देखा मैडम सर, सच्चाई आपके सामने। अरे वाह, क्रिकेट तो बहुत बढ़िया खेलते हैं आप, इतना दिमाग जो है वो पढ़ाई में भी लगाइए, स्कूल का ही नहीं जाते हैं आप? करिश्मा सिंह छोड़ दीजिए, बच्चा है, खेल रहा है, खेलने दीजिए। मैडम सर आप शायद भूल गई हैं, आज शर्त के मुताबिक आज आप हमारा सारा बात मानेंगी, वो भी बिना किसी सवाल के। शर्त आपका ही था तो आपको इस शर्त पे कायम रहना पड़ेगा। हमें आप सबसे बात करनी है, थाना टीम आइए। ये लो तुम बॉल से खेलो, बिल्लू तुम भी। देखिए ऐसा है कि आज हमारे इनके टीचर से मिलने गए थे, च्युइंगम चिपका दिया, उस वजह से उनको पूरे उनके बाल काटने पड़े, मुंडवा दिया उन्होंने, ये देखिए। कितना दुखी है तुमको पता है, बात बात पे रो रही है, हंस रहे। हमने सुना है कि आपको च्युइंगम का बहुत शौक है, तो हम आपके लिए देखिए च्युइंगम लाए हैं, लेकिन हम तुम्हें ये बताना चाहेंगे कि च्युइंगम खाने के लिए होता है, किसी के बाल पे लगाने के लिए नहीं होता है। मजाक मजाक में हम किसी के बाल पे तो लगा देते हैं, पर उसको निकालने के लिए पूरा बाल निकालना पड़ता है, और ये कितना दुख की बात है कि मजाक मजाक में किसी को मुंडन कराना पड़ जाए। आर्यन तुम ठीक हो ना, क्या हुआ? एक सेकंड आर्यन, क्या हुआ, च्युइंगम देख के इतना पैनिक क्यों हो गए तुम? दो साल पहले एक दिन अचानक च्युइंगम खाते हुए च्युइंगम मेरे गले में फंस गई, मेरी सांस रुक गई, मेरी बहुत मुश्किल से जान बची, तब से मुझे च्युइंगम से फोबिया है, च्युइंगम देखते ही घबरा जाता हूँ। ये देखिए मैडम सर एक और ड्रामा, च्युइंगम से भी किसी को फोबिया होता है। करिश्मा मैडम एक मिनट, ये जो फोबिया है वो किसी को भी किसी भी चीज का हो सकता है। बिल्ले तुम बीच। करिश्मा सिंह बोलो बोलो बोलो। मैडम सर ये डर, ये फोबिया किसी भी चीज का हो सकता है, पर ये इतना गहरा इतने मन के अंदर तक बैठ सकता है कि वो एक दिन एक महीना नहीं जिंदगी भर साथ रहता है। ये डर ये मैंने महसूस किया है, गहराई से महसूस किया है मैंने। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके नाउ हु इज गोइंग टू रीड दिस चैप्टर? हेलो स्टैंड अप नाउ रीड द चैप्टर। एन ए
80 इंग्लिश में पढ़ना है बिल्लू, ये कौन से प्लेनेट की लैंग्वेज है? Does anybody understand this language? No, but इनाम तो देना पड़ेगा। आज भी मास्टर जी की उस खेल की मार मैं अपने हाथों पर महसूस करता हूँ। आज भी हम उस खेल को देखते हैं तो सहम से जाते हैं, सिहर जाते हैं। हाँ, डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। मैडम सर, ये डर, ये फोबिया मासूम बच्चों के जहन में किसी भी चीज का हो सकता है। अभी इस आर्यन को देखिए, च्विंगम देखिए, इसकी हालत देखिए कैसी हुई। इसको च्विंगम का डर है और ये सच कह रहा है। बिल्ले, हम मानते हैं कि डर एक ऐसा भाव है कि किसी को किसी भी चीज से हो सकता है, पर आर्यन के गले में च्विंगम 2 साल पहले चिपका था। मैं सच कह रहा हूँ मैम, मुझे च्विंगम फोबिया है। मैंने रीता मैम के बालों में चिंगम नहीं चिपकाया था। रीता मैम ही हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मुझे ही क्लास के सामने पनिश करती हैं। ये केस जितना साधारण दिख रहा था धीरे धीरे उतना ही उलझता जा रहा है। हमें जल्दी पता करना होगा कि सच्चाई आखिर है क्या, लेकिन कैसे?